नमस्कार, टाइम्स ऑफ पुणे न्यूज चैनल वर आपलं स्वागत। आपण आमच्या चॅनल ला अजूनही सबस्क्राइब केले नसेल तर अवश्य सबस्क्राइब करा। अयोध्या निकाल तथ्य पुराव्यांवर नाही तर भावनांवर देण्यात आला। ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर। जगात भारतीयांकडे संशयित नजरेने पाहिले जाते, मात्र याबाबत कोणीही भारतीय स्वतःला विचारत नाही की आमच्यावर अत्याचार झालेले असताना आता जगही आमच्यावर अत्याचार करीत आहे। मात्र हे सत्य आहे की वैदिक धर्म मानणारे लोक हे दुसऱ्या धर्मावर अतिक्रमण करीत आहेत, हे आता अयोध्येत होत आहे। हे सत्य आजही भारतीय मानायला तयार नाही। पुरावे व इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर अयोध्या हे बौद्धांचे सांस्कृतिक शहर होते, मात्र निकाल हा तथ्यांवर नसून भावनिकतेवर देण्यात आल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली। दुनिया में हमेशा भारतीयों को शक की नजरों से देखा जाता है। भारतीयों ने कभी अपने आप से पूछा नहीं कि ये क्यों है। वो यही समझते हैं कि हमारे साथ में अत्याचार हुआ है और दुनिया अत्याचार कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वैदिक धर्म मानने वाले ये दूसरे धर्मों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, जैसे कि अयोध्या में हो रहा है। राहुल सांस्कृतियान जो हिस्टोरियन है, उन्होंने ये कहा कि अयोध्या ये पुरानी सांकेत शहर है, बुद्धिस्ट लर्निंग ऑफ सेंटर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जब गया तब उन्होंने भी उत्खनन करने की बात हुई, उत्खनन हुआ आधे हिस्से में, वहाँ पूरी तरह से बुद्धिस्ट संस्कृति के निशान ही वहाँ पर मिले। लेकिन फैसला जो है वो तथ्यों पर नहीं आया, भावना पर आया और राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी वही मामला हुआ, हिस्टोरिकल साइट को देखा नहीं गया, एविडेंस को देखा नहीं गया और हम लोग एक रास्ता निकाल रहे हैं उसको मद्देनज़र देखते हुए राम मंदिर के पक्ष में ही जजमेंट गया। ये अच्छा होता अगर इलाहाबाद कोर्ट जो है वो इस बात को मानते कि ये पुराना शहर संस्कृत है, इसकी अवशेष जो मिली है वो बुद्धिस्ट अवशेष है। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति देखते हुए राम मंदिर निर्माण करने की ज़रूरत है और इसलिए हम लोग राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते तो शायद ये जो शक की नज़र से हम लोग को देखा जाता है वो दूर होता, क्योंकि भारतीय अपने आप से सच बोलने के लिए लगे हुए है, यही फैसला वहाँ पर होता। लेकिन मैं मानता हूँ कि दुनिया भर में जो शक की नज़र से हमको देखा जाता है, इन जजमेंट के माध्यम से भी उन्हीं नज़रों से देखा जाएगा, यही हकीकत है। मैं शफीक कंचोड़ी, आपल्याला हा रिपोर्ट कसा वाटला कृपया कमेंट मध्ये आम्हाला जरूर कळवा। आमचे पुढील अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला सबस्क्राइब जरूर करा।